Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. Students, today we are starting verbs. आज की क्लास में हम स्टूडेंट्स वर्ब को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चीज़ आपने याद रखनी है कि वर्ब के बारे में जो हम बात करने जा रहे हैं, ये बिल्कुल बेसिक लेवल की जो इन्फॉर्मेशन है वर्ब के बारे में वो दे रहा हूँ, ये इसकी कंप्लीट डिटेल नहीं है. यानी कि जो इसकी कंप्लीट डिटेल है उसका मैं जस्ट 20% आपको बताने लगा हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं कि सर वर्ब्स के बारे में बताएं, वर्ब कौन कौन से हैं, फिर उनके जो है वो कौन कौन सी फॉर्म्स हैं. तो ये सब जो है वो शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को इसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दूँ, उसके बाद फिर जो है वो मैं डेली वर्ब्स की क्लास भी अपलोड करता जाऊँगा साथ. ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक करें, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूँगा. तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास. सो स्टूडेंट्स, वर्ब की डेफिनेशन क्या है? अ वर्ड which shows the action, occurrence or a state. A word, एक लफ्ज which shows, जो कि जाहिर करता है, the action, किसी action को, यानी कि किसी अमल को, occurrence, किसी वाक्य को, और a state, या फिर किसी हालत को. यानी कि एक ऐसा लफ्ज जो कि हमारे किसी अमल को, हमारे किसी वाक्य को, या फिर हमारी किसी हालत को बयान करता है, उसको verb कहा जाता है. अगर सिंपल वर्ड्स में मैं ये चीज कहूं तो मैं ये चीज कहूंगा कि जुमले के अंदर जो भी काम हो रहा होता है, ये जो भी अमल हो रहा होता है, ठीक है, उसको वर्ब कहा जाता है. जैसे कि आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, जागना, पसंद करना, लाइक इस टाइप के जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, वो सब क्या है? वो वर्ब्स है. इसकी डिटेल जो है बेसिक लेवल की, यानी कि लंबी चौड़ी डिटेल तो नहीं, बेसिक लेवल की डिटेल जो है वो मैंने आपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में आप लोगों को, यानी कि पहले लेक्चर के अंदर आपको ये चीज बताई थी. ओके, अच्छा, इसके बाद अब जो हमारे वर्ब्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है. एक होते हैं हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स और एक होते हैं हमारे पास मेन वर्ब्स, ठीक है. एक होते हैं हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स. अच्छा, हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है उन वर्ब्स को जो कि हमारी जमाना पहचानने में मदद कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब्स. अच्छा, अब हेल्पिंग वर्ब की भी दो इकसाम है. एक होते हैं प्राइमरी वर्ब्स, या फिर उनको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ठीक है, इनको प्राइमरी वर्ब्स या फिर ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है. और दूसरी तरह के होते हैं मॉडल वर्ब्स, ठीक है. अब प्राइमरी वर्ब्स कौन से? जैसे कि इज एम आर. अब देखें कि कहीं पर भी आप इज एम आर इनको देखते तो आप फौरन समझ जाते हैं यार ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है. तो आप ये इज एम आर जो है ये एक प्राइमरी वर्ब है और ये हमें हेल्प करता है जमाना पहचानने में कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फिर फ्यूचर है. इसी तरह से वाज और वर. अब वाज और वर को जो ही आप देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि यार ये तो पास्ट की बात हो रही है, गुजरे हुए वक्त की बात हो रही है. तो ये क्या है? ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है, ठीक है. लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी दो तरह के हैं, एक प्राइमरी वर्ब्स हैं और दूसरे मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक है. तो ये क्या है? ये हमारे प्राइमरी वर्ब्स हैं. इसी तरह से हैज हैव है, हैड है, ठीक है, विल है, ठीक है, विल हैव है. तो मतलब ये सारे क्या है? ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, लेकिन कौन से? प्राइमरी वर्ब्स, ठीक है. अच्छा, अब मॉडल वर्ब. अब मॉडल वर्ब भी जो है वो हेल्पिंग वर्ब ही कहलाते हैं, ठीक है. लेकिन मॉडल वर्ब कौन कौन से? जैसे कि हमारे पास कैन है, खुद है, मे है, माइट है, शुड है, आई मीन इस तरह के और भी काफी सारे हैं, ठीक है. तो ये सारे जो है ये भी हेल्पिंग वर्ब ही कहलाते हैं, लेकिन इनको मॉडल वर्ब का नाम दिया जाता है, ठीक है. तो हमारे पास दो तरह के वर्ब्स होते हैं, एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब. अब ये जो है ये सारे हेल्पिंग वर्ब में आएंगे, ठीक है. और एक होता है हमारा मेन वर्ब, ठीक है. अब मेन वर्ब कौन सा होता है उस चीज को देख लेते हैं. अब जैसे देखें कि हम एक सेंटेंस बनाते हैं, ही इज वेटिंग फॉर हिज बस, ही इज वेटिंग फॉर हिज
बस अब यहां पर दो वर्ब्स आ रहे हैं, ठीक है। एक ये है इज, ठीक है। अब ये हेल्पिंग वर्ब है और ये जो वेटिंग है ये हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब किसको कहते हैं, जो कि जमाना पहचानने में हमारी मदद करता है। देखें अब इसकी जगह अगर मैं कर देता ही वॉज वेटिंग फॉर हिज बस, तो इसका मतलब है कि वाज को देख के मैं फौरन समझ जाता कि ये पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, इज है या वाज है, तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। और वेटिंग जो है ये हमारा मेन वर्ब है या फिर रियल वर्ब है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई है। तो अभी हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, ठीक है, वो मेन वर्ब की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अब मेन वर्ब के हवाले से आपने ये चीज याद रखनी है कि मेन वर्ब की चार फॉर्में होती हैं, मेन वर्ब्स की चार फॉर्म्स होती हैं। कौन कौन सी चार फॉर्म्स हैं, तो चलें आइए देखते हैं वो चार फॉर्म्स कौन कौन सी हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो मेन वर्ब है उसकी चार फॉर्म्स होती हैं। नॉर्मली आम रूटीन में तीन फॉर्म्स बताई जाती हैं, लेकिन वर्ब की हमारी चार फॉर्म्स हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म भी कहा जाता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ठीक है। अब जो फर्स्ट फॉर्म है उसको बेस फॉर्म, सॉरी BASE, बेस फॉर्म भी कहा जाता है। सेकेंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहा जाता है, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है, और फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर ING फॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन फिर वक्त जो हम यूज करेंगे वो हम फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म ही यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म क्या है, ये चीज जरा देख लेते हैं। देखें जैसे कि अब ये जो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है और फोर्थ फॉर्म है, हर एक की अपनी अपनी एक जगह होगी जिसको डिफरेंट जगहों पे हम यूज कर रहे होंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक लफ्ज है गो, ठीक है। अब गो इस फर्स्ट फॉर्म है या बेस फॉर्म है, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म है वेंट, थर्ड फॉर्म है गॉन और लास्ट फॉर्म है गोइंग, ओके। गो, वेंट, गॉन एंड गोइंग, ओके। तो अब इसकी एक अपनी जगह है, इसकी स्पेसिफिक अपनी जगह है, ये कुछ जगहों पे यूज होगा और कुछ जगहों पे ये यूज होगा। अब बात ये है कि आपको ये चीज समझनी है कि अब ये जो फॉर्में हैं ये आपको याद करनी पड़ेगी, लेकिन यहां पर एक और पॉइंट जो आपने याद रखना है वो ये है कि जो वर्ब्स हैं ये दो तरह के, मतलब अब वर्ब्स जो है एक होते हैं रेगुलर, रेगुलर वर्ब्स, और दूसरे होते हैं इरेगुलर। अच्छा, आप ये समझना है कि रेगुलर वर्ब्स कौन से हैं और इरेगुलर वर्ब्स कौन से हैं। रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं कि जिसमें हम बेस फॉर्म के एंड पे ईडी का इजाफा करके उसको सेकंड थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं कि जिसमें ईडी का इजाफा नहीं होता बल्कि उसके स्पेलिंग चेंज हो जाते हैं। जैसे कि देखें ये है, तो गो आगे हमने इसके साथ ईडी का इजाफा नहीं किया बल्कि इसके स्पेल चेंज हो गए, गो, वेंट, गॉन, गोइंग। तो अब ये क्या है, ये एक इरेगुलर वर्ब है, ठीक है। अब देखें जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है आस्क, ठीक है, सॉरी यहां पर ये नजर नहीं आ रहा, चले हम इसको रिमूव करते हैं यहां से और ऊपर दोबारा वापस चलते हैं और रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, रेगुलर वर्ब्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेगुलर वर्ब्स हमारे वो वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम जो हमारी बेस फॉर्म होती है या जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ जस्ट ईडी लगाते हैं तो वो हमारी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है, ठीक है, और इसी के साथ आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो वो आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि देखें हमारे पास तीन एग्जांपल्स हैं, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। तो अगर आप बेस वर्ब को देखें तो इसके साथ हमने सिर्फ ईडी का इजाफा किया तो ये हमारा क्या है, ये एक रेगुलर वर्ब है, ठीक है। इसी तरह से वर्क, worked, worked, ठीक है। तो आप यहां पर भी देखें, यहां पर हमने सिर्फ ed का इजाफा किया तो ये सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन गई है, ठीक है।
वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। तो यहां पर भी आप देखें कि हमने सिर्फ एक एक ईडी ईडी का इजाफा किया दोनों जगह पे, तो ये हमारी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गई है। तो यानी कि जो इस तरह के वर्ब्स होते हैं कि जिनके साथ जस्ट ईडी का इजाफा किया जाता है तो वो सेकंड थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको कहा जाता है रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, इसके बाद हमारे आ जाते हैं इररेगुलर वर्ब्स। अब इररेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं कि जिनके साथ हम ईडी का इजाफा नहीं करते हैं बल्कि उनके स्पेलिंग में चेंज आता है। जैसे कि देखें, हमारे पास पहला वर्ब है गो, इसकी सेकंड फॉर्म है वेंट, थर्ड फॉर्म है गॉन। तो आप तीनों में देखें स्पेल डिफरेंट है। अब इसी तरह से लर्न, लर्नड, लर्नड, कम, केम, कम। तो ये क्या है, इनके साथ ईडी का इजाफा नहीं किया गया, इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारे इररेगुलर वर्ब्स हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं और इररेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम ये करेंगे कि आज की क्लास में मुझे जस्ट इसके बारे में आपको बताना था कि हमारे वर्ब्स कितने इकसाम के होते हैं, किस टाइप के होते हैं। ठीक है, ये बेसिक सी जस्ट इन्फॉर्मेशन है, कोई लंबी चौड़ी डिटेल नहीं मैंने इसमें बताई। ठीक है, बकिया इसकी जो लंबी चौड़ी डिटेल है वो इंशाल्लाह हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल से डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको वर्ब की कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। ठीक है, कि कितने इकसाम के वर्ब्स होते हैं, कौन कौन से वर्ब्स होते हैं, लाइक जो भी उसकी डिटेल है वो सारी इंशाल्लाह उसमें आपको बताऊंगा। लेकिन ये बिल्कुल बेसिक लेवल की जो है ये इन्फॉर्मेशन थी जिसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है कि वर्ब कहते हैं किसी एक्शन को, या एक ऐसा वर्ड जो कि हमारे किसी एक्शन को जाहिर कर रहा हो, किसी वाक्य को जाहिर कर रहा हो, या फिर हमारे किसी स्टेट को जाहिर कर रहा हो। वर्ब दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब और एक होते हैं मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या फिर प्राइमरी वर्ब्स, जैसे कि इज एम आर, वाज वर, हैज हैव हैड। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, प्राइमरी वर्ब्स हैं। एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब में मॉडल वर्ब्स, ठीक है, जैसे कि कैन, कुड, शुड, has to, have to, may, might, like, ये सारे क्या हैं, ये हमारे मॉडल वर्ब्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे थे मेन वर्ब की। हमारा जो आज का मेन टॉपिक था वो हमारे मेन वर्ब्स थे। ठीक है, अब मेन वर्ब की चार फॉर्में होती हैं। आम रूटीन में तीन फॉर्में बताई जाती हैं, लेकिन इसकी चार फॉर्में होती हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, या इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं और आईएनजी फॉर्म भी कहा जाता है, और फोर्थ फॉर्म भी आप इसको कहते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम जो करेंगे वो ये है कि डेली वर्ब की क्लास के अंदर मैं आपको 20-25 वर्ड्स जो है, वर्ब्स जो है वो डेली दिया करूंगा और उनको आपने डेली याद करना है। ठीक है, और ये चीज आपने देखी नहीं है मेरे चैनल, मेरे चैनल पे आप लोग जाएंगे तो मेरे चैनल की जब आप ओपन करेंगे प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट में एक वर्ब के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी होगी। ठीक है, तो वहां पर वर्ब वाली प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहां पर स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपके पास ये क्लासेस आती जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे अगली क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।